Very good morning. I'm Shilpa. Welcome you all to the NCERT live phone-in program. And our today's topic of discussion is Curriculum Adaptation for Inclusive Classrooms. And to discuss further, in the studio we have Professor Anita Julka, designated as a professor at Department of Education of Groups with Special Needs in NCERT. I welcome you, ma'am, on today's show. Thank you. Thank you. So let's proceed to understand our today's topic of discussion. Ma'am, today we are discussing a very interesting topic, curriculum adaptation for inclusive classrooms. Education. Mm-hmm. So, if I want to ask you, like, what is the meaning of inclusive education? I would like to show something first, explain it through a few visuals. मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, explain करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो topic है, ये बहुत नया topic है. और नया इसलिए है कि अभी भी जबकि गवर्नमेंट ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया था बहुत वर्षों पहले, लेकिन अभी भी लोग इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए. सो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन का असली मतलब क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, और दूसरा उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रेगुलर क्लासरूम्स में. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि एनसीईआरटी ने दो किताबें दी हैं. एक तो उनकी ये किताब है अपर प्राइमरी लेवल पे, जो कि ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे. ये प्राइमरी स्टेज की एक किताब है और एक अपर प्राइमरी स्टेज की किताब है. ये दोनों किताबें आपके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में उपलब्ध हैं. इनमें आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग एक कक्षा में जहाँ सारे बच्चे, जो बच्चे जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, जो कि मैं ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाती हूँ, पर सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के साथ हमारे बच्चे जो थोड़े से डिसेबिलिटी जिनमें है, हिंदी में उनको विकलांग कहते हैं, और अब नया प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए एक नया शब्द भी कॉइन किया है, दिव्यांग, वो किस प्रकार से इकट्ठे एक टीचर के साथ कक्षा में पढ़ सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको क्यों करना ज़रूरी है, ये सब मैं अभी बताना चाहूँगी. तो सबसे पहले हमको समझना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है. इंक्लूसिव एजुकेशन समझने से पहले थर्ड वाली ओके नहीं चल रहा, ये उधर नहीं आ रहा. ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं कक्षा में, वो हम लोग ये सोचते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे हैं. तो मेरे हिसाब से हर बच्चा नॉर्मल है कक्षा में, जितने भी बच्चे हैं सभी नॉर्मल हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, डिसेबल बच्चे हों, चाहे वो बिना डिसेबिलिटी के बच्चे हों. क्योंकि कोई भी बच्चा अगर वो देख नहीं सकता, तो ये तो नहीं है कि मानसिक रूप से वो बिल्कुल कमज़ोर है. यानी मानसिक रूप से वो इतना ही जानता है जितना बाकी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो बच्चा देख नहीं सकता वो आँखों की बजाय अपने कान से सुनता है, अपनी टच से जानता है. इसी प्रकार जो बच्चा सुन नहीं सकता वो ज़्यादा देख के सीखता है. तो इसको हम लर्निंग स्टाइल भी बोलते हैं. तो जब भी बच्चे डिसेबिलिटी वाले कक्षा में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग घरों से आते हैं, और उनके अनुभव भी अलग अलग होते हैं. तो हम ये कहें सारे डिसेबल बच्चे एक जैसे होते हैं और एक जैसे पढ़ेंगे, वो सही नहीं है. जैसे बाकी बच्चे भी भिन्न हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रुचियां रखते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ रखते हैं, अलग अलग ताकतें उनमें होती हैं, क्षमताएँ होती हैं, उसी प्रकार से हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं. तो क्या होता है, कक्षा में जब ये बच्चे आते हैं तो टीचर का ये कहना होता है, ये बच्चे बाकी लोगों के साथ कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, ये सारी शंकाएं एक टीचर के मन में आती हैं. लेकिन आज मैं बताऊंगी कि ये कैसे संभव है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या. इंक्लूसिव एजुकेशन हम उस स्थिति की बात करते हैं जहां एक रेगुलर क्लासरूम है और उस क्लासरूम में सारे बच्चे इकट्ठे हैं, और एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रतिक्रिया है जो गत्यात्मक है, जो चलती रहती है. यानी ऐसा नहीं हम कह सकते कि आज हमने इंक्लूजन अचीव कर लिया. इंक्लूजन का ये मतलब है कि गत्यात्मक एक प्रतिक्रिया जिसमें नए नए बच्चे आते हैं, नए नए अनुभव कक्षा में लाए जाते हैं, और सब बच्चों का एक दूसरे
का अनुभव और एक दूसरे के बैकग्राउंड से सीखते हैं. तो एक तरह से ये ऐसी एक कह दीजिए रास्ता है, ना कि एक डेस्टिनेशन है. एक हमने स्टॉप कह दिया कि अब हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई, ऐसा नहीं होता. तो ये चलता रहता है और इसका एक गत्यात्मक प्रक्रिया रहती है. उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चे को डिफेक्टिव नहीं मानते. यानी पहले ये जाना जाता था, बहुत साल पहले ये कहा जाता था कि जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उन बेचारों को तो जितना मिल जाए उतना ही बहुत है. लेकिन अब ये बात हम नहीं कहते, क्योंकि एक बच्चे का आरटी के बाद और हर तरह के जो हमारी लेजिस्लेशन आई हैं उसके बाद एक बच्चे का ये अधिकार है कि वो वहाँ पढ़े जहाँ बाकी बच्चे पढ़े या वो कहीं और पढ़े, उसकी अपनी मर्ज़ी है. हम एक बच्चे को क्योंकि वो डिसेबल्ड है ये नहीं कह पाएंगे कि आप दूसरे ये स्कूल में नहीं जा सकते. ये उसका अधिकार है, वो कोई भी अपने स्कूल का चयन कर सकता है, उसके माँ बाप का भी यही अधिकार है. तो इसको देखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत मैंडेटरी बात हो गई. यानी किसी को आप एडमिशन मना इसलिए नहीं करेंगे कि वो बच्चे की डिसेबिलिटी, आपके स्कूल को प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपके सिस्टम को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उस बच्चे को आप पढ़ा सकें. पहले ज़माने में जबकि चैरिटी की बात होती थी तब ये कहा जाता था पुण्य का काम है, पढ़ा दीजिए, जैसे पढ़ ले, हम उसके लिए अपने में कोई अंतर या हम परिवर्तन नहीं लाएंगे अपनी कक्षा में. लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका बच्चा जैसे पढ़ सकता है उसको वैसे पढ़ाना है. अगर हम नहीं पढ़ा सकते तो हमें सीखना है, सिस्टम को चेंज करना हमें. अब आप बताइए कि एक तरह का तरीका या पढ़ाने की जो पेडागॉजी हम जिसको बोलते हैं वो सारे बच्चों के लिए ऊपर तो लागू होती नहीं है, चाहे वो डिसेबल्ड हो नॉन डिसेबल्ड हो. तो बच्चे को उसी पेडागॉजी में फिट करना कहाँ से बच्चे की एजुकेशन है. तो बच्चे को फिट नहीं करना, बाकी सिस्टम को फिट करना है बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार. इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन. यानी ये एक सोशल मॉडल पे आधारित है, जिसका अर्थ ये है कि डिसेबिलिटी कुछ नहीं होता, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है. यानी हम समाज डिसाइड करता है कि ये डिसेबल्ड है और ये नहीं डिसेबल्ड है. क्योंकि क्या होती है डिसेबिलिटी, जब हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो इम्पेयरमेंट एक चोट है एक टिश्यू में या एक ब्रेन में, कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ये उस चोट या उस प्रॉब्लम से उत्पन्न जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से हम उसकी डिसेबिलिटी मानते हैं. और वो डिसेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि समाज उनके लिए बना ही नहीं है. अगर कोई बच्चा जाना जाए स्कूल में और चल फिर नहीं सकता तो उसको पहले फ्लोर पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा कक्षा के लिए, तो कहाँ से वो डिसेबिलिटी होगा. अगर उसकी कक्षा ग्राउंड फ्लोर पे है और उसको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो वो डिसेबल नहीं है. अगर उसके पैर भी ठीक नहीं है तब भी वो पढ़ाई कर सकता है. तो इस प्रकार से समाज से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है डिसेबिलिटी का, हम तो उसको डिसेबिलिटी मानते ही नहीं हैं. हाँ जी मैम, ऐसे नॉर्मली मतलब वी से दैट एक्सपीरियंसेस टीचेस यू अ लॉट. तो अगर बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की, एवरी स्टूडेंट इज लाइक इक्वल, तो ये एक्सपीरियंस डिफर नहीं करता. यानी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी कॉल द नॉर्मल चिल्ड्रन एंड व्हाट वी कॉल द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, तो एक्सपीरियंसेस डिफर नहीं करते. देखिए बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस हर बच्चे के डिफर करते हैं. ये ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके सेम अनुभव होते हैं. अगर डिसेबल्ड बच्चा आएगा और आप उसको कक्षा में लाएंगे तो क्या होगा, जो बच्चा देख नहीं सकता वो आपसे सुनने में ज़्यादा ध्यान देगा टीचर को. अगर जो बच्चा सुन नहीं सकता वो देखने में ज़्यादा ध्यान देगा. अगर टीचर कक्षा में पढ़ाती है जिसमें वो बोलती भी है और दिखाती भी है तो सभी बच्चों के लिए अच्छा है ना. तो डिफरेंसेस से कक्षा ही अच्छी होती है. तो इट इज़ अ डिफरेंस. हम डिसेबिलिटी का बच्चा या बाकी बच्चों को साथ पढ़ाते हैं तो वो डिफरेंस है, एक डायमेंशन है डिफरेंस की. और डिफरेंस वैरायटी जो कक्षा में होगी उससे हर बच्चा अधिक सीखता है. लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी इक्वल जिसको हम बोलते हैं है नहीं इन बच्चों के लिए. ये हमारा सबसे बड़ा एक तरह से कंसर्न है, क्योंकि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों और अगर ये बच्चे कक्षा में आएँ और पढ़ने का इनको मौका दिया जाए जिस तरह से ये पढ़ते हैं. यानी अब आप देखिए एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो ब्रेल में पढ़ता है और आप उसको प्रिंट बुक पकड़ा देंगे तो कहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी. तो अनुभव की इसमें बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी आप हर बच्चे को
जितना भी अनुभव हो एक ही प्रकार के देने चाहिए. आप अपने बच्चों से कहें कि आपको किताबें नहीं मिलेंगी तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगी अगर आप ब्लाइंड को किताब नहीं देंगे और दूसरे बच्चों को प्रिंट किताब दे देंगे, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है. अनुभव से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा उनकी आवश्यकताओं को समझें और उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दें. राइट. And ma'am, one more thing, what I have seen, most of the time teachers feel hesitated to teach differently able children. So what we can do? देखिए ऐसा है कि बहुत सालों से ये बच्चे स्कूलों में थे ही नहीं. अब सर्व शिक्षा अभियान के बाद, DPP के बाद इन बच्चों ने स्कूलों में आना शुरू किया है. तो अब टीचर्स के पास ना नॉलेज है ना स्किल्स हैं इनको उस रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है. लेकिन आप को मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, जब ये टीचर्स मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं और उस टाइम भी ऐसी बातें बोलते हैं तो एक उनकी एक जिसको कहते हैं बिलीफ है कि हो नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकते. उनको हम लोग फिर समझाते हैं कि किस तरह अगर आप उनको अच्छी तरह से कक्षा में पढ़ाएंगे बाकी बच्चों के साथ तो आपके बाकी बच्चे भी कितना अच्छा पढ़ेंगे. जब उनको ये सब पता लगता है, हम स्ट्रैटेजीज बताते हैं कैसे पढ़ाना है क्या करना है, तो वो बच्चे अच्छा बढ़ते हैं और इन टीचर्स को भी अपने सक्सेस से खुशी होती है और वो पढ़ाना चाहते हैं. तो एक भ्रम है जिसको दूर करने के लिए आपको उनको जानकारी भी चाहिए, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग चाहिए, उनमें वो स्किल्स डेवलप करनी है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में सारे बच्चों को इकट्ठा कैसे पढ़ाना है. राइट. एंड मैम, व्हाट अबाउट द करिकुलम अडैप्टेशन, डज इट डिफर अकॉर्डिंग टू सेवरल स्टेजेस, एजुकेशनल स्टेजेस इफ वी टॉक अबाउट? देखिए सबसे पहले करिकुलम अडैप्टेशन है क्या. करिकुलम हमारा सब बच्चों के लिए सेम होता है. हम अलग अलग करिकुलम नहीं देते एक कक्षा में. हम ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चे कक्षा में हैं उनको सेम करिकुलम रहे. लेकिन उन कुछ डिसेबल बच्चे होते हैं जो वो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव कर सकते हैं लेकिन उनको तरीका पहुंचने का अलग हो जाता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनको हो सकता है कि वो प्रिंट ना, मतलब आप जो लिख रहे हैं वो इतनी जल्दी नोट्स ना ले पाएँ, नया उनको चाहिए होगा कंप्यूटर जिससे वो अपना टाइप कर लें उन्हीं नोट्स को जो बाकी लोग लिख रहे हैं. अगर वो ब्रेल में कक्षा में लिखेंगे एक तो आवाज़ होगी, दूसरी उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं. तो एक तरीका उन गोल्स को अचीव करने का उनका अलग हो सकता है. लेकिन और कई बार ऐसा भी होता है किसी चीज़ को, जैसे ब्लाइंड बच्चे टेलर फ्रेम पे अपने छोटे बच्चे अपने मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें भी उनको टाइम चाहिए होता है. तो ये हो सकता है कि आप उनको वही कॉन्सेप्ट समझाएं पर उनको थोड़े कम प्रश्न दे दें. तो इस तरह से हम गोल्स वही रखते हैं कि उनको सीखना वही है लेकिन उधर पहुँचने का उनका तरीका बाकी बच्चों से हम अडेप्ट, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं कि हमने गोल्स वही रखे लेकिन हमने उनको समय ज़्यादा दे दिया या उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वो नोट्स दे दिए या उनको कंप्यूटर पे कार्य करना दिया, उनको ऑडियो टेप सुनने दिया, उनको थोड़ी विजुअल्स दिखा दिए, तो इस तरह से उन्होंने उसी तरीके से वो गोल अचीव कर लिया. फिर एक चीज़ होती है मॉडिफिकेशन, जिसका अर्थ ये होता है कि हम गोल्स चेंज कर देते हैं. अब एक बच्चा जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है उसको स्पेलिंग का प्रॉब्लम है और आप उसको डिक्टेशन ही देते जा रहे हो तो उसके तो वो तो फेल हो जाएगा. तो वो फेलियर किसका होगा? बच्चे का तो नहीं होगा, आपके स्कूल का है, क्योंकि आप उसको वो पढ़ा रहे हो और उसको ऐसे असेस कर रहे हो जो उसको आता ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता. Right. क्योंकि उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में ये प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए उसके लिए हम ये गोल कर सकते हैं कि स्पेलिंग वो लिखेगा नहीं या उस स्पेलिंग की जगह वो सिंपल वर्ड्स ले लेगा जिसके स्पेलिंग करेंगे. तो यहाँ गोल्स, इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं. तो दो तरह से हम करिकुलम अडेप्टेशन करते हैं और इसी हिसाब से जो हम पढ़ाते हैं उन बच्चों को उसी पे हमको असेस करना चाहिए. अब आपने पढ़ाया नहीं है बच्चे को टीचर ने और आप ये कहेंगे कि हम उनको बाकी बच्चों की तरह वही प्रश्न देंगे उसी पे असेस करेंगे, तो हम इसको करिकुलम अडेप्टेशन नहीं कहते. हम इसको फिर फेलियर ऑफ द स्कूल कहते हैं, नॉट द फेलियर ऑफ द चाइल्ड. राइट. एंड मैम, वन मोर थिंग, I have got several questions from the teachers also, and they want to understand sometimes in one children, they have seen several disabilities. Multiple. Yes, multiple disabilities. नहीं, वो दो या अधिक ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं. ज़्यादातर बच्चे हमारे mild और जिसको कहने moderate पे होते हैं. Multiple disability दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी वाले बच्चे बहुत कम होते हैं और स्कूलों में तो पाए नहीं जाते क्योंकि उनका चलना फिरना भी कई बार मुश्किल होता है.
लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है मल्टीपल डिसेबिलिटी का चेन्नई के पास, तो उन्होंने बहुत किताबें और बहुत तरह के मटेरियल बनाया है जिससे टीचर्स ये अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार से हम कक्षा में डील करें. लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं हमारे डिसेबल्ड जो कि हमारी रेगुलर कक्षा में बिना प्रॉब्लम के पढ़ सकते हैं. ओके 75% बच्चे ऐसे हैं. बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो सीवियर होंगे या जिनको प्रोफाउंड प्रॉब्लम्स होंगी, जिनको आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है. जैसे कि कोई देख नहीं सकता और चल नहीं सकता, तो जो विजुअल पढ़ने के लिए तो विजन की बात होती है ना, चलने फिरने का तो फिर भी इतना प्रॉब्लम ब्रेन प्रोसेसिंग में नहीं आता, तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मल्टीपल डिसेबिलिटी में उन बच्चों में होती है जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते. ज़्यादातर ऐसे बच्चों को पढ़ाना रेगुलर कक्षा में टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है. उसको उसके लिए स्पेशल सपोर्ट यानी एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको अलग से भी कुछ इंटरवेंशन दे सके. ओके, दैट मीन्स टीचर कैन टेक ट्रेनिंग. टीचर कुछ हद तक ट्रेनिंग ले सकती है, बट जो मैंने आपको बताया है कि 75 बच्चे हमारे जो ऐसे हैं जो कक्षाओं में पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर को ब्रेन नहीं आता, साइन लैंग्वेज नहीं आता, उसके लिए उसको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है. टीचर की ट्रेनिंग क्लासरूम पेडागोजी तक लिमिटेड रहनी चाहिए. स्पेशल सपोर्ट के लिए हमेशा या तो स्पेशल स्कूल से या किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से या स्पेशल एजुकेटर जो कि हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, टीचर उनसे सपोर्ट ले सकती है. लेकिन सबसे पहले टीचर को ज़रूरत है सीखने की कि एक कक्षा में जहाँ सारे बच्चे हैं उसको पढ़ाने के कौन से तरीके अपनाने चाहिए. राइट मैम, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड अ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इट, राइट? हाँ, तो मैंने तो अभी बताया आपको इम्पेयरमेंट एक इंजरी, हाँ जी, एक डैमेज ऑफ बॉडी होता है, और डिसेबिलिटी से उससे इमर्ज होती हुई जो एक्चुअल लिमिटेशन होती है उसको हम कहते हैं. right. पर एक तीसरा शब्द इसको मैं साथ में जोड़ूंगी, वो है हैंडीकैप. हम लोग बहुत बार इस शब्द को का उपयोग में लाते हैं, हैंडीकैप. ये बहुत पुराना शब्द है. ये उन दिनों ब्रिटिशर्स में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो कैप इन द हैंड लेके जो आर्मी में से आए थे लौट के, कई बार उनकी इंजरीज थी तो वो उससे बैग करते थे, तो वो हैंडी कैप इन द हैंड को हैंडीकैप पड़ गया नाम. हैंडीकैप शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें एक सामाजिक अभाव की ओर पॉइंट करता है, यानी डिसएडवांटेज. उसमें क्या होता है कि अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते, मैं डिसेबिलिटी की बात भी नहीं करती, अगर अंग्रेज़ी नहीं जानते और वहाँ सब अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो आप हैंडीकैप फील करोगे. तो इस तरह का शब्द है और सोशल डिसएडवांटेज को पॉइंट करता है. तो अगर हम लोग ये बच्चों के लिए समाज ऐसा बना दें जिसमें उनको अपने आप जीने की, बोलने की और कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो किसी प्रकार से वो हैंडीकैप नहीं होते. हाँ जी, तो मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी, तो क्यों ना हम किसी तरह के इम्पेयरमेंट का डिस्कशन यहाँ पे आज करें ताकि हमारी जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए. तो क्या हम कोई स्लाइड दिखा सकते हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल. विजुअल इम्पेयरमेंट पे आप इससे चलिए ना आगे. ओके, आगे चलिए, ये पीछे जाइए. हाँ, यहाँ पे मैं आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट का. देखिए, जो बच्चे देख नहीं सकते या तो वो बचपन से देख नहीं सकते या किसी कारण उनको कोई इंजरी हो गई, कोई गलत हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से बाद में वो देख नहीं पाते, जिसको एडवेंचरस कहते हैं, यानी बाद में हुआ. और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख पाते. लेकिन बिल्कुल देख पाने का मतलब नहीं है ब्लैक नहीं है, थोड़ा 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 तो सब बच्चे को दिखता है. कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा टोटली ब्लाइंड एक तरह से होता नहीं, पर कहा जाता है कि वो टोटली ब्लाइंड है, पर फॉर्म्स नहीं दिखती. और कुछ ऐसे होते हैं जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं, यानी उनकी शार्पनेस ऑफ विजन कम होती है, पर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ भी सकते हैं. जैसे देख पास ला के किताब को, या बहुत जैसे ऐसे ऐसे पढ़ते हुए बच्चे होंगे, ऐसे पढ़ते हुए बच्चे होंगे, वो लो विजन बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं लेकिन उनको समय चाहिए और बड़े बड़े उनको शब्द अक्षर चाहिए पढ़ने के लिए. तो इस प्रकार से बच्चे की प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर ये भी है कि बच्चे की प्रॉब्लम देखने में ऐसी भी हो सकती है जिसको हम फील्ड ऑफ विजन कहते हैं, यानी हमारी एक 90 डिग्री पूरी फील्ड होती है तो उसको सिर्फ बीच में दिख रहा है.
तो उसको हम टनल विजन कहते हैं, यानी सिर्फ बीच में उसको दिखता है, बाकी सब धब्बे धब्बे काले हो जाते हैं, तो उसको तब अलग तरह से उसको स्ट्रैटेजीज देनी पड़ती हैं। फिर मैं बताना चाहूँगी कि इनको किस प्रकार से हम पढ़ाएं। इनको हम दो तीन तरह की स्ट्रैटेजीज के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जैसे विजुअल मोड्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम टच से, ये बच्चे टच से बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ भी चीज़ टच करके ये जान पाते हैं, तो इनको हम ज़्यादातर क्या करेंगे, मॉडल्स दिखाएंगे, टच करने देंगे, या इनको किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट दे देंगे, लेकिन उसमें टीचर को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो ये जो टॉय है ये चूहा है और ये जो है ये शेर है, लेकिन दोनों का जब साइज़ एक होगा तो एक VI बच्चा कन्फ्यूज़ ये हो जाएगा कि ये दोनों क्या एक ही साइज़ के होते हैं, तो साथ में बोलना भी पड़ता है कि ये सब बच्चों को अगर टीचर दिखाएगी, आवाज़ें सुनाएगी, तो एक टच है, एक सुन के, और तीसरा स्मेल करके और टेस्ट करके, ये चारों तरह की सेंसरी सेंसेस से ये लोग सीखते हैं और सभी बच्चे सीखते हैं। अगर आप मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस कक्षा में सब बच्चों के लिए देते हैं तो वो सब बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और इसमें क्या होता है कि कई बार मैंने टीचर्स को ये गलती करते हुए देखा है कि वो दे देंगी गेहूं के चीनी के दाने इनको छूने के लिए अलग उसमें, और बाकी बच्चों को वो अलग बिठा देंगी, क्यों ना सब बच्चों को दे दीजिए, इसी को तो हम कहेंगे कि इंक्लूजन है रियल सेंस में। तो ये बच्चे इन सारी सेंसेस से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, देखने को अलावा बाकी सारी सेंसरी इनकी इनपुट बिल्कुल सही होती है, ब्रेन भी इनके में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये तो विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ। इसके अलावा अगर आप बताना है तो दो तरह के और होते हैं जिसके अंडर मैं कैटेगराइज करूँगी, एक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट और एक हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, जिसमें हम आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज़म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी हम ये कैटेगरीज को मेन लेते हैं। तो इसमें पढ़ाने के लिए टीचर को कक्षा में इस सर तरह के बच्चे हो सकते हैं। मैम, पेरेंट्स क्या कंफर्टेबल होते हैं ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजने के लिए, या दे वांट एनी स्पेशल स्कूल फॉर देम? देखिए, पेरेंट्स, हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। अगर उसको एक रेगुलर स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती है तो वो अपने बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी हमेशा रेगुलर स्कूल होती है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहते अपने से, लेकिन हमारे स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं वो थोड़ी दूरी पे हैं, कोई भी गांव में स्पेशल स्कूल नहीं मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मिलेगा आपको, स्टेट लेवल पे मिलेगा। तो बच्चे पेरेंट्स थोड़े से इसलिए अनकम्फर्टेबल होते हैं कि उनको एक्सेप्टेंस बच्चों को नहीं मिलती, उनको ऐसा कल्चर नहीं मिलता कि टीचर्स पढ़ाने में, कई बार तो एडमिशन देने में दिक्कत करते हैं कि हम इनको पढ़ाएं कैसे, हमें तो आता नहीं इनको पढ़ाना, तो इसलिए उनको ये लगता है, क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों के कि उनको किसी प्रकार की कोई टीजिंग ना हो, कोई उनको बुली ना करे, तो वो इसलिए उनको भेजना नहीं चाहते। पर अगर उनके पास ऐसा स्कूल है जहाँ उनका बच्चे को अच्छी तरह से वेलकम किया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो डेफिनेटली अपने पास के स्कूल में, नेबरहुड स्कूल जिसको कहते हैं, उसमें अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। अनकंफर्टेबल वो इसीलिए होते हैं जब उनको ये लगता है कि टीचर और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उनके बच्चे के ऊपर गलत कुछ तरह से बात करेंगे उनके बारे में, इसलिए। मैम, हम काफ़ी सारे इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या टीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या टीचर को एक्चुअल में फ्रीडम होती है कि वो इस तरीके से पढ़ाएं या समझाएं? देखिए, कुछ हद तक तो टीचर्स की ये प्रॉब्लम है कि वो ये कंप्लेन भी करती हैं कि हम लोग, आप जैसे बताते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको जितना पढ़ाया है उतने एग्जामिनेशन ही उनका उसी पे बेस होना चाहिए, तो हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है। लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने हेडमास्टर्स हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो भी ये समझें कि हर बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा NCF ही चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करता है, तो हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वो जितनी पढ़ाई कर सके, जैसे पढ़ सके, उसी पे उसको एग्जामिन किया जाए। और एलिमेंट्री लेवल तक तो ये बहुत संभव है, हायर पे जहाँ पब्लिक एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे समस्या हो सकती है। टीचर्स को, हेडमास्टर्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतना एम्पावर कर देना चाहिए कि वो अपनी कक्षा को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाए रखें, लचीलापन उसमें लाएं बच्चों के हिसाब से। राइट।
अब मैम एडमिशन प्रोसेस काफ़ी बर्डरसम हो जाता है पर्टिकुलरली फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, तो इसको कैसे डील कर सकते हैं, पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बी कंफ्यूज। देखिए ऐसा होता है आरटी के आने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पेरेंट्स को कोई डिनाई एडमिशन कोई भी स्कूल वाले कर नहीं सकते इन बच्चों को, लेकिन इन बच्चों के साथ एक समस्या ये आती है सर्टिफिकेशन की। जबकि हमने एनसीईआरटी में अपने फोकस ग्रुप पेपर्स में रखा था कि एडमिशन को आप डिनाई नहीं कर सकते सर्टिफिकेट के हिसाब से। सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि ये इसमें इतनी डिसेबिलिटी है प्रोविजंस के लिए, लेकिन एडमिशन में प्रॉब्लम सिर्फ दृष्टिकोण की वजह से आती है, नियम के हिसाब से नहीं आती। ये उसका अधिकार है, पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए, हर बच्चे का अधिकार है कि वो अपने नेबरहुड के स्कूल में पढ़ सके, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो या नॉन डिसेबल बच्चा हो। कोई भी बच्चे को एडमिशन डिनाई करने का किसी भी स्कूल को है ही नहीं अधिकार। तो अगर वो करते हैं पेरेंट्स इसको जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं, कमिश्नर्स हैं डिसेबिलिटी के हर स्टेट में, उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्यों, ये उनका अधिकार है अपने बच्चे को, आरटी सबके ऊपर लागू होता है। मैम पढ़ाई में टीचर्स या पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए पढ़ाई में हर बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और टीचर अकेली क्लास की टीचर नहीं दूसरी क्लास की टीचर भी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह की कोलैबोरेशन और कम्युनिटी का भी होता है। कई बार क्या होता है कि एक पेरेंट जो अपने बच्चे को जानता है वो मेरे को नहीं लगता कि कोई और उससे अच्छा जानता है अपने बच्चे के बारे में, तो टीचर एंड पेरेंट्स शुड कोलैबोरेट। उनको पढ़ाने बच्चे के बारे में कोई सही डिसीजन अगर लेना है या टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा कितना वो कर पा पाएगी, या उसको कहा कि पेरेंट्स को ये बताया गया कि इतना काम ये कर लिया बाकी आप घर में करा लीजिए, तो इन सब के लिए हर बच्चे के लिए पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन टीचर की बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक बच्चे के लिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर का इस प्रकार से है, एक रेगुलर टीचर सब बच्चों के लिए। अब जाएंगे हम भी अपनी बचपन की टीचर्स को याद रखते हैं आज तक कि ये बहुत अच्छी टीचर थी ये अच्छी टीचर नहीं थी, तो जितना टीचर उनको अच्छी तरह से पढ़ाएगी उतना उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है उनका रोल। तो एक और क्या होता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं डिसेबल्ड बच्चे अपने बारे में डिसीशंस नहीं लेने, तो एक टीचर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि उनमें इतनी कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने बारे में बातचीत कर सकें बोल सकें बिल्कुल अपनी डिसीजंस खुद ले सकते। हाँ जी ये उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारे पास एक प्रश्न आया है रूही जी का जो कि टीचर है और वो समझना चाहती है व्हेन अ डायरेक्शन इज गिवन अ स्टूडेंट कॉल्स माय नेम एंड आस्क मी टू कम एंड हेल्प आई एम ट्राइंग टू फेड माय सपोर्ट बट द स्टूडेंट विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी बाय हर साइड व्हाट शुड आई डू। देखिए ये तो डिसेबल्ड के लिए नहीं हर बच्चे की बात है, हमारे घर में भी ये होता है कि हम बच्चे को अगर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट भी कर देते हैं तो बच्चे थोड़े आपकी को आदत पड़ जाती है। डिसेबल्ड बच्चों के साथ भी उनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए बाकी बच्चों के जैसा। कई बार टीचर्स में ये गलती होती है कि वो ये सोचते हैं कि अरे इसको खेलने मत दो इसको चोट लग जाएगी। देखिए हर बच्चा जो छोटा बच्चा स्कूल में आता है जल्दी से जल्दी आता है उसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं उसको बहुत परेशान भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही उसके दोस्त बन जाते हैं। राइट, तो सबसे ज़रूरी है कि टीचर बाकी बच्चों को इस बच्चे के बारे में बताए और उसका एक साथी वहाँ नियुक्त कर दे जो बच्चे को ज़रूरत हो तो उसको सपोर्ट कर सके, उसको हम बडी सिस्टम कहते हैं। इस तरह टीचर के ऊपर इस तरह के भार कम हो जाएंगे कि उसको बार बार जाके उसको देखना पड़ेगा। तो बड़ी सिस्टम क्लास में वैसे भी होना चाहिए। हम कई नए स्टूडेंट्स आते हैं तो टीचर्स बोलती हैं अपने एक अच्छे स्टूडेंट्स को इसको देख लेना बता देना, इस प्रकार के बड़ी सिस्टम पीयर के साथ उसके साथी के साथ उसकी दोस्ती एस्टैब्लिश करना बाकी बच्चों को बताना उसको हेल्प करने के लिए, तो टीचर के ऊपर ये जिम्मेदारी इतनी रहेगी नहीं। ओके मैम सेकेंड क्वेश्चन वी आर गेटिंग फ्रॉम प्रियंका, उनको समझना है व्हाट डज इट टेक टू क्रिएट एंड मेंटेन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। नंबर ऑफ थिंग्स, सबसे पहले ज़रूरी है आई थिंक आई विल शेयर माय ईमेल आल्सो विद ऑन द दिस सो दैट दे कैन एनीबडी कैन क्वेश्चन मी डायरेक्टली बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग आंसर। देखिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम और एक स्कूल जैसे मैंने बताया कि उसका एंड नहीं होता, क्रिएशन का मतलब ये है सबसे पहले आप एक वेलकम कम्युनिटी बनाएं, अपनी कक्षा में सब बच्चों को वेलकम करें, सारी सेंसेस को लेके आप पढ़ाएं,
कॉन्क्रीट मटेरियल यूज़ करें, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करें, तो सब बच्चे उसमें पढ़ते हैं. तो कोई अलग से उसके लिए एफर्ट नहीं. एक अच्छी कक्षा को हम इंक्लूसिव कक्षा कहते हैं. तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लास मीन्स दैट यू लेट एवरीबडी हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन्जॉय एंड डेवलप अप टू द पोटेंशियल, यानी अपने पोटेंशियल से उनको बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले. right. इसको हम इंक्लूसिव क्लास, और ये क्रिएट करना एक अच्छी टीचर का काम है. okay. किसी कोई भी टीचर बिना ट्रेनिंग के भी ये कर सकती है. एंड रेस्ट मोर ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैम विल शेयर. मेरा ईमेल है anitajulka@gmail.com. एंड कोई भी प्रश्न किसी को मुझसे पूछना है, डिटेल में पूछना है, कोई सहायता चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग इस एरिया में सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दे रहे, पर हम एडवोकेट भी हैं. क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मार्जिनलाइज्ड डिसेबल बच्चे हैं आज समाज से, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ ध्यान दें. So today we understood the concept of curriculum adaptation for inclusive classroom, and also we understood in a very explanatory manner the meaning of inclusive education. I hope this episode will help you to understand this concept in better way. Thank you ma'am for Thank sharing you. Such useful information. Thank you so much. So if you have any query or the question if you may want to ask related to our today's episode, then you can dial into our toll free number or can drop an email to us. Till then, take care and keep watching Kishore Munch.